Today on Sand Custom Gurus. बिल्कुल काउंटिंग कार्स के 1973 फोर्ड मस्टैंग की तरह। तो क्या उस कार को नहीं लेते यार हो? वो केस में आवेश आने ही वाला है। 1, 2 and 3 The 1968 Chevy Camaro, fully converted into the counting cars 1973 Ford Mustang convertible. ये देखिए। सबसे पहले कि मैं आप लोग इस कार के बारे में और मैं बताऊं, चलिए कार का एक सोर सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ। तो काउंटिंग कार्स को वाला कौन नहीं जानता होगा। ये शो पिछले कई सालों से वेल हिस्ट्री टीवी 18 चैनल में दिखाया जा रहा है और शो का तो मेन होस्ट है, वेल होस्ट नहीं है वो एक्चुअली में वेल काउंट्स कस्टम्स का ही ओनर है ज्ञानी कुकर, और उनका कार्स में वेल काफी नॉलेज है। और इवन मुझे ज्यादातर क्लासिक कार्स और मसल कार्स के बारे में ज्यादातर चीजें वेल ज्ञानी कुकर से ही पता चला था, क्योंकि वो शो मैं पिछले 7-8 सालों से देख रहा हूँ, इवन तभी से देख रहा हूँ जब से वो शो शुरू हुआ था, और इवन आज भी कभी कभी देखता हूँ। आज मुझे इतना देखने का वक्त नहीं मिलता है क्योंकि आजकल मैं अपने दूसरे काम के साथ बिजी रहता हूँ, लेकिन जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है और टीवी में वो शो आया होता है तो मैं उसे जरूर ही देखता हूँ, मैं उसे कभी भी मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा तभी से आज तक एक फेवरेट शो है। और काउंटिंग कार्स के एक बहुत ही पुराने एपिसोड में वेल ये दिखाया गया था कि डैनी अपने दोस्त से एक 73 की मस्टैंग खरीदा है जो कि शुरुआत में काफ़ी बुरी कंडीशन में होता है, लेकिन फिर उसके बाद डैनी उस कार को कस्टमाइज करके एक बहुत ही यूनिक कार में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो कार काफ़ी हद तक ऐसा ही दिखता था। इवन अगर किसी ने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो शायद आपको याद ही होगा, उस कार की कलर भी सिल्वर था, रूफ टॉप भी ब्लैक था और सामने बिल्कुल इस तरह की ही स्ट्राइप्स था। वैसे वो एक कन्वर्टेबल कार था और इसलिए उसकी रूफ टॉप एक सॉफ्ट टॉप है, लेकिन ये वाली हार्ड टॉप मॉडल है। और सबसे जरूरी चीज की एक मस्टैंग ही नहीं है, ये एक्चुअली में कैमरो है। लेकिन अब क्योंकि वेल मुझे वो कार काफ़ी पसंद है और हॉट व्हील्स की 73 मस्टैंग मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसलिए मुझे ये 68 की कैमरो मिल गया, और मैंने यही सोच लिया कि इस कार को मैं बिल्कुल उसी स्टाइल में कन्वर्ट करूंगा जिस स्टाइल में डैनी ने अपनी 73 मस्टैंग को बनाया था। सो फाइनली बैठ उठा है आपको कार के सारे मॉडिफिकेशन और डिटेलिंग के बारे में बताने का कि इस कार में एक्चुअली में क्या क्या संशोधन हुआ है। तो सबसे पहले बारी जाती है कार की फ्रंट एंड की। अगर फ्रंट एंड की बात करें सो काफी लोगों को सर ये बात नहीं पता होगा कि ये तो पूरी की पूरी जो कार है ये एक्चुअली में वैनल रैपिंग किया हुआ है। ये जो आप लोग कलर देख रहे हैं ये सिल्वर कलर, ये ओरिजिनल सिल्वर कलर की नहीं था। जब मैंने कार खरीदा था तो इसका कलर व्हाइट था और इसमें कुछ अलग अलग तरह की ग्राफिक्स था जो कि आई थिंक ब्लू कलर का था। एक्चुअली मेरे पास 268 की कैमरो है और दोनों सेम कलर का था। मैंने एक वाले को व्हाइट कलर की ग्राफिक्स के साथ ही रहने दिया और एक वाले को इस तरह से काउंटिंग कार्स के 73 मस्टैंग की तरह बनाने की सोचा। मैं वो दूसरी वाली कार भी फिर कभी फ्यूचर में आपको दिखा दूंगा। तो ये जो आप लोग कलर देख रहे थे पूरी तरह से वैनल रैपिंग किया गया है, सिल्वर कलर की वैनल रैपिंग किया गया है, और ये वैनल रैपिंग का काम आज से तकरीबन 2 साल पहले हो गया था।
आई थिंक 2019 के बीच में हुआ था, क्योंकि वही साल था जब मैंने इस कार को खरीदा था। और ये तो ब्लैक कलर की जो कुछ भी आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे सीधे भी वाल रैपिंग की मदद से ही किया गया है। ये स्ट्राइप्स आप लोगों को यहाँ नीचे में भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल उसी साल में डन किया गया है जिस साल में डैनी ने अपने 73 मस्टैंग में किया था। और अगर इस विंडशील वाले पार्ट की बात करें, सो क्योंकि ये एक हार्ड टॉप मॉडल है और ये हार्ड टॉप 68 कैमारो है, पर मैंने इस कार को कन्वर्टेबल कार की तरह लुक देने के लिए मैंने सामने की ये वाली जो पिलर वाली जो पार्ट है इसे वेल सिल्वर कलर की बना दिया और बाकी पूरी रूफ टॉप को ब्लैक कलर में पेंट कर दिया। ऑफकोर्स ये जो रूफ टॉप है ये कोई वॉल रैपिंग नहीं किया गया है, इस पूरी रूफ टॉप को एक्सटीरियर में पेंट किया गया है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से देखें तो आप ये देखने में कहीं से भी पेंटेड नहीं लग रहा है और देखने में ऐसा ही लग रहा है कि ये कार एक्चुअल में एक कन्वर्टेबल कार ही है। सो नेक्स्ट बात यार ये कार की साइड प्रोफाइल की, अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस कार को साइड से भी बिल्कुल डैनी की 73 मस्टैंग की तरह बनाने के लिए ही मैंने व्हील्स में भी बिल्कुल उसी तरह की टच दिया है। वैसे डैनी के ओरिजिनल कार में कैसी व्हील्स था मुझे याद नहीं, क्योंकि वो शो मैंने काफ़ी समय पहले दिखाया था, यानी कि वो एपिसोड काफ़ी समय पहले दिखाया था, सो इसीलिए वेल मुझे याद नहीं वो कौन सी वाली व्हील्स था, लेकिन व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी हद तक ऐसा ही था। और क्योंकि मैं व्हील्स का रिप्लेसमेंट तो नहीं कर सकता, सो इसलिए मैंने ओरिजिनल व्हील्स में बस बीच वाले हिस्से को ब्लैकआउट कर दिया। और आप लोगों यहाँ नीचे जो ये वाली जो पार्ट है इसमें भी आप लोग थोड़ी बहुत ब्लैक डिटेल नजर आएगा। वन रैपिंग इतनी स्मूथली डन किया गया है कि काफ़ी बहुत पता भी नहीं चल रहा है कि इसे एक्चुअल में वन रैपिंग किया गया है। और साथ में ये जो डोर हैंडल जैसे सीधे मैंने इनमें भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कर दिया है, और इन सब डिटेलिंग की वजह से अब ये कार देखने में और भी ज़्यादा कूल दिख रही है। और अगर बात करें कार के रियर एंड की, तो इस कार को रियर एंड से भी 73 मस्टैंग की तरह बनाने के लिए मैंने ये वाला हिस्सा पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। इस हिस्से को ब्लैकआउट करने की वजह से आप सामने की जो ये ब्लैक ग्रिल है इसके साथ अब ये बिल्कुल पीछे से भी मैच कर रही है। और ये जो स्पॉयलर वाली जो पार्ट है मैंने स्पॉयलर को भी ब्लैकआउट कर दिया है। यहाँ आप लोगों को कॉर्नर्स में कुछ कुछ जगहों पर शायद व्हाइट अभी नजर आएगा, लेकिन व्हाइट इतना नोटिसेबल नहीं है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट पूरी कार को ही वैन रैपिंग किया है। मेरी कार को बिल्कुल इस तरह से बनाया है कि ये कार हर एंगल से डैनी की 73 मस्टैंग जैसा ही दिखे। और ये से मैं ये क्या कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया पर ढूंढने पर भी आप लोगों को इस तरह से कस्टमाइज की गई हॉट व्हील्स की 1968 शेवी कैमारो और कहीं में भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ तो चले गए आज के लिए बस इतना ही। फिल्म लॉर्ड की मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद के तैयार की गई स्केल मॉडल कार दिखाने की कोशिश करने वाले कितना तक। अगर आपको आज का ये वीडियो समय पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन सो विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।